हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन मंचूरियन। सोयाबीन की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये है कि सोयाबीन हर मौसम में अवेलेबल होता है, तो जब भी आपका मंचूरियन खाने का मन हो तो आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। पहले मैंने लिया ये सोया बड़ी, तो ये 100 ग्राम के लगभग सोया चंक्स है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर एकदम गरम पानी। आप चाहें तो इसको 5 मिनट के लिए बॉयल भी कर सकते हैं। पानी में आप इसे एक बार उबाल लें। हम इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे। तो 20 मिनट के बाद ये देखिए, जो सोया बड़ी है ये फूल गई है, अपने साइज से दुगनी हो गई है। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसे निकाल लेंगे और फिर इसको इस तरीके से अच्छे से दबाते हुए निचोड़ लेंगे। इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। अगर इसके अंदर ये पानी रहेगा तो जब हम इसको पकाएंगे तो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। इसके अंदर पानी का एक अलग सा टेस्ट आएगा तो हमारी रेसिपी बिगड़ जाएगी। तो इसको अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक और 1 चम्मच शेजवान सॉस। सभी चीज़ों को मिला लेंगे। तो इसे 1 चम्मच से अच्छे तरीके से मिला लें ताकि जो ये शेजवान सॉस है और बाकी की चीज़ें हैं उसका फ्लेवर इस सोया बड़ी में आ जाए। तो इसको चम्मच से चलाते हुए ऐसे मिला लेंगे। जो सारी सोया बड़ी है उसके ऊपर जो सॉस है वो एक तरह से सबके ऊपर लग जाना चाहिए, कोट हो जाना चाहिए। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। तो 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। हमें दोनों ही चीजें लेनी है। अब हम इसको चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो मैदा और कॉर्नफ्लावर है वो सारी सोया बड़ी के ऊपर लग जाए। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और जो इसका टेस्ट है वो तो एकदम लाजवाब है। तो ये सारी सोया बड़ी को मैंने अच्छे से मैदा और कॉर्नफ्लावर में कोट कर दिया है। अब एक कढ़ाई में डाल देंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें ये सोया चंक्स डाल देंगे। अब इनको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इन्हें हमें एकदम क्रिस्पी और क्रंची कर लेना है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। फ्राई करने से इसके ऊपर एक क्रंची सी लेयर आ जाती है, जिससे जो हमारा सोयाबीन मंचूरियन बनता है वो एकदम परफेक्ट बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, जब इस तरीके से इसके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन लेयर आ जाएगी तो बस हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हल्के सुनहरे हो गए हैं, तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेम कढ़ाई में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक एक बाउल में डाल देंगे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर और फिर इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच के लगभग पानी। दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मिक्सचर आप रेसिपी शुरू करने से पहले ही बना लें। जैसे ही आप सोया बड़ी को फ्राई करके रखें उसके बाद ये मिक्सचर एक तरफ बना के रख लें। ऑयल गरम हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। एक हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट लिया था, वो भी इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें चाहिए खूब सारा लहसुन, तो ये मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियों को एकदम बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। अब सभी चीजों को हम सौते कर लेंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो ये मैंने 1 बड़े साइज का प्याज लिया है, इसी के साथ ये 1 शिमला मिर्च है और ये 1/2 बेल पेपर है। सभी चीज़ों के टुकड़े मैंने थोड़े से बड़े बड़े कट किए हैं। अब हम सारी चीज़ों को एक साथ इसमें डाल देंगे। तो मैंने ये रेड बेल पेपर लिया है, अगर आपके पास येलो बेल पेपर हो तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर इसको सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च से भी बना सकते हैं। इसके साथ भी ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी बनती है। अब सभी चीज़ों को हम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम को हमें हाई रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जियों का जो एक हल्का सा क्रंच है वो बना रहना चाहिए। अब हम फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और सॉसेज ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डाल देंगे 1.5 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 2 चम्मच टमाटो केचप। सभी चीज़ों को मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से फ्लेम को एकदम कम कर दें क्योंकि जो सॉसेज हैं वो बहुत जल्दी जलने लगते हैं। सभी चीज़ों को मिला लेंगे।
अब जो हमने स्टार्टिंग में कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर रखा था वो इसमें डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डालने से जो ये मंचूरियन है इसके अंदर एक बेस आ जाएगा, जो सॉसेस है वो आपस में अच्छे से घुल मिल जाएंगे। 2 मिनट के बाद इसमें जो सोया बड़ी को हमने फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देंगे और अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और फटाफट से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब इस पे डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो ये आधा छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि हमने सोया बड़ी में भी नमक डाला था और जो भी सॉसेस ऐड किए हैं उसमें भी थोड़ा बहुत नमक होता है। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच के लगभग सिरका। ये मैंने इसमें खाने वाला सिरका ऐड किया है। तो ये हमारी बहुत ही चटपटी स्पाइसी सोयाबीन मंचूरियन बनके तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में कितनी कलरफुल और कितनी टेस्टी दिख रही है। ये देखने में जितनी टेस्टी है खाने में उससे भी ज्यादा मजेदार है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप भी एक बार सोयाबीन मंचूरियन को इस तरीके से जरूर से बना के ट्राई करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।